नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों इस वक्त बेहद ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, हथिनी के मुंह में हुआ था विस्फोट, पोस्टमार्टम में हुआ है खुलासा, 3 संदिग्धों से की जा रही है पूछताछ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केरल के मल्लीपुरम में एक गर्भवती हथिनी की दर्दनाक मौत के मामले में जाँच में महत्वपूर्ण कामयाबी मिली है। हथिनी की मौत की छानबीन के लिए गठित विशेष जाँच टीम ने कई संदिग्धों से पूछताछ की है। जाँच में खुलासा हुआ है कि पटाखा भरा हुआ अनानास हथिनी के मुंह में ही फट गया था। इधर इस मामले को लेकर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि गर्भवती हथिनी की मौत मामले में 3 संदिग्धों पर ध्यान केंद्रित करके जांच आगे बढ़ाई जा रही है। हम दोषियों को सजा दिलवाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। साइलेंट वैली के जंगल में हथिनी ने पटाखा भरा हुआ अनानास खा लिया था, उसके मुंह में यह फट गया था जिसके कारण उसकी मौत हुई थी। वन विभाग ने कहा है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। विभाग ने एक ट्वीट में कहा है कि हथिनी के शिकार के लिए दर्ज मामलों में कई संदिग्धों से पूछताछ की गई है। इस संबंध में गठित SIT को अहम सुराग भी मिले हैं। वन विभाग दोषियों को अधिकतम सजा दिलवाने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि विभाग ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामले को दर्ज कर लिया है और उसकी पहचान की जा रही है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को कहा है कि केंद्र ने इस पर एक संग्रह रिपोर्ट मांगी और आश्वस्त किया है कि घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने बृहस्पतिवार को एक ट्वीट में कहा है कि पटाखा खिलाकर जान लेना भारतीय संस्कृति में नहीं है। हम गहराई से जांच करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे और अपराधियों को पकड़ेंगे। वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि पटाखों से भरा अनानास खाने से हुए विस्फोट में उसका जबड़ा टूट गया था और वह कुछ भी चबा पाने में असमर्थ थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि हथिनी गर्भवती थी। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया में भारी रोष देखा जा सकता है। बॉलीवुड से लेकर क्रिकेटर और राजनेताओं से लेकर आम लोगों तक इस घटना पर निंदा जाहिर कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। साथ ही इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग की जा रही है। वैसे दोस्तों, ऐसे घिनौना अपराध करने वालों को क्या सजा देनी चाहिए, आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, इससे जुड़ी हुई आगे की खबरों को जानने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन भी जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।